अब यहाँ से अगर किसी को वॉशरूम अगर जाना है तो वो तीसरे नंबर पर जाएगा तब वॉशरूम लौट के आएगा, इतने में तो ट्रेन किसी को छूट जाएगी। यह महिला एवं पुरुष शौचालय है और लगभग 2 सालों से इस शौचालय में ताला डला हुआ है और इस में ताला डला होने की वजह से यहाँ के लोगों को किन किन यात्रियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इनमें दोनों में ताले लगे हुए हैं। कब से डला हुआ है ताला मैडम? मैडम मैं जब भी भोपाल जहाँ से जाती हूँ ट्रेन पकड़ती हूँ, जब भी ऐसा ट्रेन लेट हो गई है और मुझे वॉशरूम अगर जाना है तो यह अक्सर ताला ही इसमें मुझे लगा हुआ मिलता है। खुले में शौचालय जाती हैं, ट्रेन में टाइम है 5:30 का टाइम, 6:30 का टाइम था श्री राम का जो अभी लेट हो चुकी है और वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम के लिए हम परेशान हो रहे हैं और काफ़ी यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन वॉशरूम कहाँ जाए? आप लोगों के द्वारा कभी रेलवे स्टेशन प्रबंधन से बात की गई, उनसे चर्चा हुई कि क्या वजह है, क्यों टॉयलेट बंद है? मेरी बात हुई थी पर वो ये कह रहे कि हम खोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक नहीं खोला है ताला। टॉयलेट दोनों बंद किए हुए हैं, गंदगी पसरी हुई है, ये दिव्यांग वाले में जाते हैं, बहुत ही हालत खराब है यहाँ पे मुरैना स्टेशन पे। कब से ताला डला हुआ है? पिछले में आता रहता हूँ जाता रहता हूँ, 1-2 साल से लगा हुआ है, हमेशा कहते हैं कि अब खोल दिया जाएगा, ठेकेदार की प्रॉब्लम है पर वो कहीं ध्यान नहीं देते हैं। समस्या के संबंध में अवगत कराया गया और उनका कहना था कि वह जल्द ही इस समस्या का समाधान कराएंगे और शौचालय खुलवा देंगे जिससे कि लोगों की समस्या खत्म हो सके। मेरे द्वारा 2 साल पहले रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शौचालय में ताला डला होने का वीडियो बनाया गया था। मैडम गंदगी मतलब बहुत ही, आपके पहले आपने जो सफाई कराई वो आपने बराबर सफाई कराई है, सब लोग मतलब बहुत काफ़ी फायदा हुआ, सब लोग मतलब पेशाब के लिए सब जा रहे थे, पहले कोई नहीं जा रहा था, उसमें बहुत गंदगी पड़ी थी। आपका काम बहुत बढ़िया है मैडम, आप बढ़िया तरीके से काम करवा रही हैं। वीडियो बनाने के बाद हम लोगों ने समुदाय के साथ बैठक की, बैठक करने के बाद हम स्टेशन मास्टर से मिले, उन्हें आवेदन दिया। सोशल मीडिया पर मुद्दे को शेयर कर रेलवे विभाग को टैग किया गया, अनुरोध किया। बहुत अच्छा काम करवाया है तो सब लोग इसमें खुश हैं और ऐसा ही काम कराती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि लगभग 2 साल पहले यहाँ शौचालय में ताले डले हुए थे, लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए गए? 2 साल पहले देखे थे कि बनी तो बंद तो गई थी पर ताले डले गए थे, गंदगी बहुत चारों तरफ बिखरी हुई थी, इसके उपलक्ष में हम लोगों ने आप लोगों से वीडियो बनवाया, वीडियो बनाने के बाद आप लोगों से निवेदन किया, आप सब लोग इकट्ठे होकर स्टेशन मास्टर को अवगत कराया, स्टेशन मास्टर ने उसके बाद में खुलवा दिया। कितना समय लगा इसको खुलने? इसे खुलने में लगभग 2 वर्ष लगे, 2 वर्ष के बाद ये खुल तो गया है, बढ़िया आदमी, महिला शौचालय पुरुष शौचालय अब आराम से उस पर आता जाता है और अपना उसका उपयोग भी कर रहा है। जैसा कि प्लेटफॉर्म 1 पे हर वक्त ताला रहता है, लंबे समय से वहाँ पे ताला रहता था, हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया था उस पर और आपसे पहले जो सीनियर आप जो बैठते थे सर, हमने उनको वीडियो दिखाया भी था, तो कब तक वहाँ की यही स्थिति रहेगी और कब ठीक हो जाएगी? 25/2/23 से उनका ठेका हो गया है और हर टॉयलेट पर एक बैठा जाएगा, एक कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा। ताले खुल जाएंगे वहाँ? आदमी रहेगा, ताले तो खुले ही रहेंगे जी। बैठेगा अभी वहाँ पे? बराबर बैठा है। लगभग 2 साल के बाद शौचालय में ताला डला हुआ था, वह ताला स्टेशन मास्टर जी के द्वारा खोल दिया गया है, इसके साथ ही वहाँ की साफ़ सफाई भी कर दी गई है, जिसके लिए मैं मेरे समुदाय की तरफ से स्टेशन मास्टर जी को धन्यवाद करती हूँ कि उनके सहयोग से जो शौचालय था उसका गेट खुल गया है। अभी जो जन समुदाय को यहाँ पर शौच के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह इधर उधर भटकते थे, उन्हें ताला डला होने की वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही थी, वह समस्या का अब समाधान हो चुका है। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।